जैन संगठना की ओर से जो युक्तियों के प्रोटेक्शन के लिए एक वर्कशॉप चल रहा है, उसमें शहर की कुछ प्रबुद्ध महिलाएं भी हैं। मैडम आपका क्या नाम है? मैं मीना कोठारी, श्रीमती मीना कोठारी। मीना जी, ये बताइए दैनिक भास्कर .com को कि आप लोगों ने जो ये कार्यक्रम अरेंज किया है या जो ग्रुप बनाया है, तो इसके जो अभी तक जो उद्देश्य पूरे हो रहे हैं क्या? मेरे ख्याल से हमारे उद्देश्य फर्स्ट डे ऑनवर्ड से हमको पूरे दिखने लगे, क्योंकि हमारी लिमिटेड एंट्रीज थी, सिर्फ 40 एंट्रीज थी हमारे पास, लेकिन आज तक अभी तक हमारे पास जो रह गए हैं बच्चियां, उनके फोन आ रहे हैं कि आंटी क्या हमारी एंट्री हो सकती है। अभी तक कितनी एंट्रीज इस कार्यक्रम में आ चुकी है? हमारे इस कार्यक्रम में 51 एंट्रीज है अभी, और आगे हम एक वर्कशॉप करते रहेंगे, क्योंकि लड़कियों ने बहुत इंटरेस्ट दिखाया है। और सबसे बड़ी बात कि इस वर्कशॉप के द्वारा हमने एक टाइम मैनेजमेंट पॉलिटी जो सोची थी वो हमें मिली, क्योंकि .845 का टाइम दिया था एंड ऑल वेयर एट 8:45। मैडम आप भी इस संगठन की सदस्य हैं, आपका क्या नाम है? मेरा विजया सेठी। विजया जी, बताएं कि आगे आगामी कार्यक्रम के बारे में मैंने आपने क्या सोचा है, क्या कुछ परिवर्तन करेंगे आगामी जो कार्यक्रम है उसमें? अभी ये हमारा फर्स्ट चांस है, फर्स्ट प्रोग्राम है, और अभी हम ये चाह रहे हैं कि अब इसमें कितनी सक्सेस हमें सफलता मिलती है, आगे भी हम इसको करना चाहेंगे, क्योंकि इससे हमारी बेटियों को बहुत अवेयरनेस प्राप्त हो रही है, उनमें कॉन्फिडेंस पैदा हो रहा है, और उनमें जो परिवार में पेरेंट्स के बीच में जो उनकी बात नहीं हो पाती है, वो लड़कियाँ यहाँ पे अपनी खुल के अपनी बात कह सकती है, अपने दिल की बात कह सकती है और आगे बढ़ सकती है, अपने जीवन को सुधार सकती है। धन्यवाद।